hello everyone welcome to discussion session of engineers education point in this session we are going to discuss the test question the question which is asked in class test question number one for symmetrical t attenuator series arm resistor r1 is given by तो सिमेट्रिकल टी ए टू नीटर में सीरीज आर्म क्या हो जाएगा आर वन इजकअ टू आपका हो जाएगा आर नॉट आर वन इजकअ टू क्या हो जाएगा आर वन इजकअ टू आर नॉट एन माइनस वन बटे एन प्लस वन और आर टू इज टू क्या हो जाएगा आर टू इजक्ल टू आर नॉट टू एन बटे एन स्क्वायर माइनस वन याद रखिये इस पर आपको न्यूमरिकल क्वेश्चन भी पूछता है आपका सिमेट्रिकल टी ट्यूनेटर है तो सीरीज आर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो ये आपका आर वन हो गया ये भी आर वन हो गया और ये आर टू हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इज तो रेसिप्रोसिटी का कंडीशन क्या होगा जेड वन टू इज टू जेड टू वन दूसरा का क्या हो जाएगा ए ये सब क्या है आपका सिमेट्रिक कंडीशन है ये भी सिमेट्रिकल कंडीशन है यह भी सिमेट्रिकल ये भी सीमेट्रिक कंडीशन है नेक्स्ट देखिए ए बी सी डी पारामीटर इज रिलेटेड टू ए बी सी डी पारामीटर कैसे रिलेटेड है तो ए डी माइनस बी सी इजकअल टू क्या होता है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर वन डी बी वन डेवल इज इक्वल टू तो देखिए वन ए पर इजक्ल टू क्या होता है वन नेपर इजक्ल टू एट पॉइंट एट पॉइंट एट सिक्स एट डेसिबल होता है डी बी होता है तो वन डी बी इजक्ल टू क्या हो जाएगा वन बाय एट पॉइंट एट सिक्स एट नेपर ने पर जीरो पॉइंट वन वन फाइव अप्रोक्स होता है इतना नेपर। पर वन डीबी बराबर जीरो पॉइंट वन वन फाइव नेपर हो जाएगा और वन नेपर इजक्ल टू कितना होता है एट पॉइंट एट सिक्स एट डेसीबल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वैल्यू ऑफ सी इन हाई पास फिल्टर इज गिवेन बाई हाई पास फिल्टर में सी का क्या वैल्यू होगा तो सी इज टू क्या होता है वन बाई फोर पाई एफ सी आर नॉट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इंडक्टर इज ए इंडक्टर क्या है पैसिव एलिमेंट है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर ये सब क्या है पैसिव एलिमेंट है नेक्स्ट देखिए द वेलोसिटी भी इन ए ट्रांसमिशन लाइन फेज वेलोसिटी इज कॉल टू क्या होता है वन बाय रूट अंडर एल सी सेवन का क्या हो जाएगा ए सेवन का ए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट द इक्विवेलेंट स्टार एलिमेंट ऑफ डेल्टा सर्किट सोन इन आर वन इजक्वल टू आर टू इजक्वल टू आर थ्री इसमें आपको स्टार का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार में आपको पूछ रहा है तो देखिए ये आपका इसके अंदर में स्टार बना लीजिए इस तरह का स्टार का होता है तो देखिए आपका इस एलिमेंट का पूछ रहा है क्या हो जाएगा ये दोनों का इसका और इसका प्रोडक्ट बटे तीनों का सम मीन्स आर वन प्लस सॉरी प्रोडक्ट होता है आर वन इन टू आर वन बटे आर वन प्लस आर वन प्लस आर वन क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है तो आर वन स्क्वायर बटे थ्री आर वन आर वन से आर वन कट गया क्या बचेगा आर वन बटे थ्री मीन्स वन बाई थ्री आर वन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए एच टू वन इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर कैन बी एक्सप्रेस एज तो एच टू वन का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस जेड टू वन बटे जेड टू टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन इन ए सिमेट्रिकल लाइन जेड नॉट इज गिवेन बाय जेड नॉट इज कॉल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर जेड ओ सी इंटू जेड एस सी ओपन सर्किट इम्पीडेंस इंटू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एलेवन वेन देयर इज नो रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो के का वैल्यू क्या होगा रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा के इज क्वाल टू जीरो के का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो ए नेक्स्ट देखिए बी एसडब्ल्यू आर इन ए ट्रांसमिशन लाइन लाइज बिटवीन किस बीच में होता है वन और इन्फिनिटी के बीच में वन और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन ए पी चैनल जे फेट द चार्ज कैरियर आर तो पी चैनल जे फेट में चार्ज कैरियर क्या होगा होल्स हो जाएगा ऑप्शन बी तेरह का बी नेक्स्ट देखिए इन एन ओ द एबिलिटी टू सप्रेस द नॉइज वोल्टेज इज क्या कहते हैं उसको सी एम आर आर सी एम आर आर कॉमन मोड सी एम आर आर होता है सी एम एम आर नहीं होगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सी एम आर आर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एड सी एम आर इस क्या होता है मोड ए डी एम डिफ्रेंशियल मोड बटे कॉमन मोड का गेन नेक्स्ट देखिए ए फेट इज ए फेट क्या है यूनिपोलर डिवाइस है और बीजेटी क्या होता है बाईपोलर डिवाइस होता है उसमें करेंट कंडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल मेजोरिटी कैरियर और माइनोरिटी कैरियर दोनों के द्वारा होता है नेक्स्ट देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आर यूज इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन पावर गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑल ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा सभी चीज हो जाएगा ऑल ऑफ नेक्स्ट देखिए द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज अल्फा और बीटा के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है तो बीटा इज इजकअल टू क्या होता है अल्फा बाई वन माइनस अल्फा बीटा इज इजक्ल टू अल्फा बाई वन माइनस अल्फा ए जे फेट इज ए जेफेट क्या है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और बीजेटी क्या है करेंट कंट्रोल डिवाइस है हम लोग बीजेटी को करेंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आउटपुट करेंट जो होता है जो आप आउटपुट करेंटिस्टिक देखते हैं बीजेटी का उसमें आउटपुट करेंट जो होता है वो वो कंट्रोल होता है इनपुट करेंट से और जेफेट में क्या होता है जो आउटपुट करेंट है वो कंट्रोल होता है इनपुट वोल्टेज से इसीलिए इसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं नेक्स्ट है द बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ऑफ डैश कपलिंग किसका सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है तो डायरेक्ट कपलिंग का ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर दे आर आर डैश एच पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर कितना पैरामीटर होता है फोर कौन कौन एच वन वन एच वन टू एच टू वन और एच टू टू चार पैरामीटर होता है नेक्स्ट देखिए इन फेस शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज डैश आर सी सेक्शन कितना आर सी मीन्स रेसिस्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन है कितना हम लोग यूज करते हैं तीन आर सी सेक्शन का यूज करते हैं थ्री आर सी सेक्शन द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इज इट्स क्या है एबिलिटी टू प्रोवाइड इम्पिडेंस मैचिंग बिटवीन स्टेजेज जो आपका ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है उसका सबसे मोस्ट डिजायरेबल फीचर क्या है वो आपको इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ निगेटिव फीडबैक इज ऑलवेज तो निगेटिव फीडबैक का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन वन वन से कम हो जाता है निगेटिव फीडबैक का गेन क्या होता है आपका कम होता है नेक्स्ट है द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक इज गिवेन बाय तो निगेटिव फीडबैक का गेन क्या होता है कम होता है कम होता है पॉजिटिव फीडबैक का गेंद ज्यादा होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ए बाई वन प्लस बीटा इन टू ए देखिए यहां पे अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है प्लस होगा डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और हम लोग जानते हैं निगेटिव फीडबैक में क्या होता है गेन कम होता है नेक्स्ट देखिए द गेन एंड इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ एंड ओपेम इज हाई जो आपका ओपेम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका गेन क्या होता है हाई होता है और इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है हाई होता है तो ये क्या है ट्रू है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तो ये आपका क्लास टेस्ट का डिस्कशन था थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच